मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले रेडी होता है रिशु से। रिशु हमेशा अपने स्कूल के टाइम से सबसे पहले रेडी हो जाता है, तो अंशु का लेट होता है हर समय। तो आज अंशु रिशु जा रहा है साइकिल से। रिशु अपने साइकिल को रिपेयर करवा लिया है पूरा, और रिशु बहुत खुश भी है क्योंकि रिशु शुरू से ही जाता था साइकिल से। अंशु जाता अपने पापा के साथ, लेकिन रिशु जाता है साइकिल से। आप कैसा लग रहा है आपको पहली बार इतने दिन बाद साइकिल से जाने में? आप रिशु अंशु के साथ नहीं आएगा, रिशु अपना अकेले आएगा। आ टाइम पे आ जाना, हाँ यही उधर घूमते रहना। रिशु का ना आदत है साइकिल लेके रिशु घूमते रहते इधर उधर। आज नहीं घूमना, हाँ घर आ जाना जल्दी। आज हम रिशु लोगों के लिए बनाए थे चाउमीन और ये रोटी, तो फिर हम लोग के लिए बना रहे। आज बहुत सा चाउमीन बना दिए थे अंशु रिशु के लिए। आदि मिशु, हाँ अंशु रिशु आदि मिशु सबके लिए चाउमीन बनाए थे। और फिर अपने लिए हमने भी रोटी बनाई थी क्योंकि पापा लोग रोटी नहीं खा रहे, लेट हो रहे। ठीक है, तो रिशु जा रहा है बाहर, अंशु रिशु चला गया। अब हम जा रहे हैं टीम कबूतरों का खाना देने। तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भूल गए थे। तो आज उसके छत पे अभी कबूतरों बैठा हुआ है, थदरबादा के खा जाएगा। तो वहाँ पे है, अभी आ नहीं रहा है। बैग तो नहा लिए, अब हम जा रहे नाश्ता करें। तो आज हम लोग खा रहे चाउमीन। आदमी सु खाया, आदमी सु खा लिया, हम लोग जा रहे खाने। और टिमी को हटाओ तो मीशु भी नहा लिया, हम लोग घर में सबको ही नहा लिया है। तुम्हें तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ मेरे पापा को अचार देखे आइए। गिर जाएगा, गिर जाएगा मिशु, मिशु गिर जाएगा। रुको रुको, चम्मच देंगे चम्मच। मिशु गई अचार, तो मिशु अचार लेके आई है बड़े पापा के लिए। थैंक यू मिशु। वाह बस मिसु बेटा, चम्मच निकाल के ढाको, चम्मच चम्मच निकाल दीजिए। तो मिसु देखा कितना अच्छा काम की बड़े पापा को अचार दी ना। मिसु डब्बा वहीं रख के आ जाइए किचन में, हाँ ठीक से उठाइएगा, हाँ ठीक से उठा, डब्बा उठा किचन में रख के आओ। इतना छोटा सा बच्चा कितना काम करता है भाई। अमिसु गुड गर्ल, हाथ धोएगी क्या? अच्छा मिशु, अच्छा बैग। तो हम अभी आराम कर रहे थे, तो मेरे लिए आदि की मम्मी ये बना के लाई पकौड़ी। अभी अंशुलम नहीं आया, अभी वेट कर रहे हैं अंशुलम का। क्या हुआ? रिशु लोग स्कूल से आ गए, हम जा रहे खाना खाने। आज हमको आदि मिशु थोड़ा सा भी आराम नहीं करने दिया, सोने नहीं दिया। अब हम रिशु को हम खाना खिलाएंगे। मेरा फेवरेट बन रहा है लौकी का पकौड़ा। तो आज बना रही है मेरी देवरानी, मेरे लिए तो नहीं बना रही हैं, मेरे लिए तो नहीं बना रहे हैं, सबके लिए बन रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। और ये है कि मेरा लहसुन प्याज का भी बहुत टेस्टी है, हम तो खाए ना सुबह, बहुत टेस्टी है मेरे लहसुन प्याज का भी। अंशु लोगों का फेवरेट बन गया आलू का। मिशु खा ली ना, नहीं खाया ना कोई? अभी खाएगा पकौड़ा, दिखा देती हूँ। अभी इतना सारा बनाना है, फिर हम लोग खाना खाएंगे। पापा का भी दो कुछ लोग खाना दे दो। हाँ मिशु इधर आओ, मिशु अकेले घूम रही है, थोड़ा सा खा। हम नहीं देते हैं, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, हम निकाल दे रहे हैं। कम कर देता है, हाँ थोड़ा सा कम कर दीजिए। कम लग रहा है जी आपको, बहुत अच्छा चावल। खाने तो मैं दाल है, चावल है और पकौड़ी है, बचका हमको पसंद है, तो हम दाल चावल और बचका खाएंगे। चलिए खाते हैं। कम बैक, तो आज हम नीचे किचन में खाना बना रहे क्योंकि ऊपर का मेरा गैस खत्म हो गया है, तो नीचे ही बना रहे हैं। आज सुबह भी नीचे बनाए थे।
तो सब्जी बन गया है और ये रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ आदत नहीं है ना बनाने का, तो थोड़ा सा ये लग रहा है क्योंकि ऊपर हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं, नीचे किचन में हम बहुत दिन से खाना नहीं बनाए थे। चलिए बन जा रहा है लेकिन चलिए रोटी सब्जी मेरे बन गया। बहुत मुश्किल से बनाया क्योंकि नीचे हमको आदत नहीं है और नीचे अंधेरा अंधेरा, नीचे का लाइट भी उतना सही नहीं है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है। और आदि मिशु यहाँ पे है, क्या कर रहा आदि मिशु? तो मिशु अभी सो के उठा है, मेरे बच्चे फ्लशर में मार रहे ना, तो अंधेरा अंधेरा लगता है, यहाँ लाइट लाइट सही नहीं है ना। आदि ऋषु मिशु, आदि ऋषु और मिशु एक जैसा नाम लगता है ना आदि। मेरे क्यों डांटा मिशू को? कोई नहीं डांटेगा समझा। कौन डांटा मिशू? कौन डांटा मिशू? अभी दुखी है मिशू। लेके आए बुंदिया, तो हम लोग जा रहे खाने और मेरे ऊपर किचन का ये हाल है क्योंकि मेरा गैस खत्म हो गया ऊपर और खाना हम ला रहे नीचे, तो नीचे से सब जाना आना भी हो रहा है बार बार। तभी अंशु को देते हैं खाना, यहाँ बैठा हुआ क्योंकि अभी ट्यूशन से आया, अंशु का स्टडी है। तो अंशु का फेवरेट है बुंदिया रोटी। टिमी को मत देना, हाँ हम टिमी को दे देंगे। हाँ तेरी के, थैंक यू, मोस्ट वेलकम बेटा तुम। और आदि मिशु तो लोग सोता ही नहीं है। ए नींद नहीं आ रहा तुमको? ना। क्यों? आता। है। पानी तुमको फिर बोलेगी रुकने के लिए, खाना देता है बेटा, थोड़ा एक डिग्री पानी ला दे नीचे से। अब हम लोग जा रहे खाने। ए आपको बुंदिया कम हो गया है क्या? और ओला से मत मंगाइए, फिर नीचे पानी होना चाहिए ना इसको। हाँ ढाल लीजिए, तो अच्छा ही पानी था। और आज हम लोग यहाँ पानी भी नहीं आया, हम लोग का पानी का, तो नीचे से हम लोग पानी मंगा ले बेटा। तो ऋषि भैया को दे दीजिए, तो बोले पानी ला देना। चलिए जाते हैं खाना खाने हम भी। तो ये मेरा खाना निकाले हुए हैं, तुम सब साथ में ही खा रहे हैं, तो चलिए खाना खाते और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग तक, लिए बाय, गुड नाइट।